हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिथिलेश कुमार फ्रॉम ऑर्बिटल क्लासेस रांची, आवर मैथ्स टीचर। ओके, तो बच्चों, अपन 12th क्लास के लिए डिटरमिनेंट पढ़ रहा था और डिटरमिनेंट का ये थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों डिटरमिनेंट से रिलेटेड, जो हमें हेल्प करेगा डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो आइए बच्चों सीखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। चलो बच्चों, मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूं। पहला प्रॉपर्टीज, एक डिटरमिनेंट कंसिडर किया, ठीक है, 1341। ओके, अगर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ 1 × 1 = 1 − 4 × 3 = 12 कितना आ गया, −11 वैल्यू आ रहा है। एकदम बच्चों आसान लैंग्वेज में समझना है हम लोग को, प्रॉपर्टी समझना है, प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चों मैं इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज का मतलब समझ रहे हो, रो को इंटरचेंज कर देना है क्रॉस्पॉन्डिंग कॉलम से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा। चलो बच्चों इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो 1 − 3 × 4 = 12 अगेन क्या आ गया, −11। इसका मतलब आपने क्या सीखा बच्चों कि अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू मान लो अल्फा है तो उसके ट्रांसपोज का भी वैल्यू अल्फा आएगा, मतलब डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो, अगर इसको लैंग्वेज में लिखे हैं कि एफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन बच्चों ध्यान से देखना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज को। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा जाता है तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, जैसे मान लो ए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू −11 आया, अब हम उसका ट्रांसपोज कर दिए तो उसका भी वैल्यू क्या आया, −11, मतलब दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता है। तो आई थिंक बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, चलो एक एग्जांपल फिर से हम लोग देखो, एग्जांपल से समझने से बहुत अच्छा रहता है और प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आता है। एक चीज देखो बच्चों, अगर मैं एक डिटरमिनेंट कंसिडर किया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये डिटरमिनेंट है, इसको अगर अपन सॉल्व करें 3 × 3 = 9 − अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8 = कितना आया, 1। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो रो वन है और रो टू को इंटरचेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। रो वन को आपको पता है कैपिटल आर वन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और जिनको नहीं पता है वो देख लो, रो वन को कैपिटल आर वन से, रो टू को कैपिटल आर टू से, और रो थ्री को कैपिटल आर थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के। इसी तरह कॉलम वन को कैपिटल सी वन, कॉलम टू को कैपिटल सी टू, कॉलम थ्री को कैपिटल सी थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दे रहा हूं। चलो मान लेते हैं डिटरमिनेंट डेल्टा वन अलग डिटरमिनेंट बन रहा है थोड़े टाइम के लिए, तो डिटरमिनेंट अलग बन रहा है, तो रो वन में रो टू को लिखा और रो टू के जगह पे रो वन को लिख दिया। चलो बच्चों सॉल्व करें तो अब 4 × 2 = कितना हो गया बच्चों, 8 − 3 × 3 = 9। देखो बच्चों क्या चेंजेस आया, वैल्यू −1 आ गया। अच्छा, इसी में बच्चों एक काम करते हैं, इसी डिटरमिनेंट डेल्टा में हम कॉलम वन को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम टू से, और इंटरचेंज का साइन बच्चों दोनों साइड एरो लगता है, ये सब चीज ध्यान रखना है, नोटेशन वगैरह, है ना। मैं बताया था कि डिटरमिनेंट जो है और मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो कोई टफ चैप्टर नहीं है बच्चों, बस ध्यान रखने वाली ज्यादा बातें हैं, कुछ बातें याद रखना है। अगर कॉलम वन और कॉलम टू को इंटरचेंज करते हैं तब देखते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है। तो कॉलम वन की जगह पे अपन कॉलम टू लिख दे रहे हैं, तो देखो कॉलम टू है 2 3, तो उसको कॉलम वन में लिखा, और कॉलम वन है बच्चों 3 4, तो इसको कॉलम टू में लिखा। अब इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 4 × 2 = 8 − 9 अगेन कितना आ जा रहा है बच्चों, −1।
ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया माइनस वन, यहां भी माइनस वन, जबकि जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उसका वैल्यू वन था। तो क्या हुआ बच्चों, क्या सीखने को मिला कि अगर किसी डिटरमिनेंट को, किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? माइनस से। तो आप लिख सकते हो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, या मैं लिख देता हूं बच्चों, देखो यहां पर कि इफ एनी टू रो रोज और कॉलम्स ऑफ या डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? माइनस से, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू वन है तो अगर किसी दो या रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो उसका वैल्यू माइनस वन आ जाएगा। अगर मान लो किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइव है और अगर आपने उसके किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू माइनस फाइव आ जाएगा, या तो माइनस फाइव है पहले, इंटरचेंज करने के बाद प्लस फाइव आ जाएगा। तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टी है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। ओके, बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज्यादा पॉसिबल है शेयर किया करो। लेक्चर कैसा है कमेंट करो बच्चों, फीडबैक दिया करो, है ना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, या तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है चैनल में, है ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेश्चन को। चलो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थ्री को देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में एक दो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस टाइम डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर से मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे बच्चों एक डिटरमिनेंट हमने लिया 3 2 1 4 -1 0 1 1 2, चलो 1 1 2, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन लिया तो 1 into 2 2 1 into 2 -2 -2 कॉमन लिया बच्चों 2 को, तो 1 into 2 2 -1 into 2 2, प्लस 1 कॉमन लिया बच्चों 1 into 1 1 -1 into 1 1। बच्चों देखो ये वैल्यू 0 -0 + 0, आंसर क्या आ जा रहा है? 0। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, जैसे डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 ले लिया 3 4 5, ठीक है 5 1 3 2 3 5 1, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो 3 into 3 3 जा 1 -5 2 जा 10 -4 4 कॉमन लिया तो 5 -5, ओके बच्चों, प्लस 3 into 5 2 जा 10 -3, बच्चों यहां सॉल्व करने के बाद -21 आ रहा है, ये तो जीरो हो जा रहा है और ये 21। देखो अगेन बच्चों क्या आ गया वैल्यू डिटरमिनेंट का? जीरो आ गया। अब आप ऑब्जर्व करो तो हम यहां अगर हम देखें बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, यहां पर देखो ये रो सेकेंड और रो थर्ड आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। इसी तरह बच्चों रो या कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड आइडेंटिकल है, तो वैल्यू क्या है बच्चों इसका? जीरो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग को एक प्रॉपर्टीज मिला कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो आइडेंटिकल हो, या तो बच्चों प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे एक 2 का मल्टीपल हो जाए या 3 का मल्टीपल हो जाए 4 का मल्टीपल हो जाए, तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। या डिटरमिनेंट का कोई दो रो आइडेंटिकल हो
या दो कॉलम आइडेंटिकल हो या कोई दो रो प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, हमेशा जीरो आएगा। देखो मैंने सॉल्व किया है, तो यहां से मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ इट्स एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक? चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। अब एक चीज है बच्चों, देखो यहां से कि अगर मैं एक डिटरमिनेंट लिया डेल्टा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री बच्चों, ठीक है, ये हमने डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या लिया, डिटरमिनेंट ले लिया। अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर दें या के से मल्टीप्लाई कर दें या कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है, जैसे ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा मान लो थ्री आ रहा है, तो वो जो स्केलर मल्टीप्लाई किया तो नया डिटरमिनेंट बना, तो उसमें भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर नहीं आया समझ में तो इधर देखो बच्चों, ठीक है, अगर इसमें इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड करूं तो आपको क्या दिखता है, ए वन कॉमन ले लिया तो बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री माइनस ए टू कॉमन लिया बच्चों तो फिर बी वन सी थ्री आएगा माइनस बी वन सी थ्री सी वन बी थ्री प्लस ए थ्री कॉमन लिया बच्चों तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो रो वन है, सपोज दैट रो वन में मैं के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मतलब मैं रो वन को बच्चों इंटरचेंज कर दे रहा हूं के इंटू रो वन से, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो स्वाभाविक से बात है आप सोचो कि नया डिटरमिनेंट बनेगा, इसलिए मैंने डेल्टा डैश ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट को, तो के इंटू ए वन के इंटू ए टू के इंटू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री C1, C2, C3, ओके बच्चों। चलो इसका अगर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो बच्चों के ए वन कॉमन ले लिया तो बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री माइनस के इन टू ए टू, फिर आएगा बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री प्लस ए थ्री, सॉरी के इन टू ए थ्री कॉमन आया और इन टू बच्चों बी वन सी टू माइनस B2 C1, ओके इस तरह से B2 C1, चलो यहां लिख दे रहा हूं नीचे के A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब बच्चों देखो ये जो एक्सपेंशन है इससे K कॉमन आ रहा है, और अगर अपन K कॉमन ले लेते हैं तो K कॉमन लेने के बाद बच्चों क्या बच रहा है, A1 B2 C3 A1 into B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 थ्री माइनस सी वन बी थ्री प्लस ए थ्री इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। अब आप एक चीज देखो बच्चों, इस एक्सपेंशन को देखो और इस एक्सपेंशन को देखो, इधर दोनों क्या सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसके जगह पे हम डेल्टा लिख सकते हैं, तो डेल्टा डैश इक्वल टू क्या आ गया, के टाइम्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा डैश क्या आया, के टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो बच्चों यहां प्रॉपर्टी क्या हुआ, प्रॉपर्टी क्या निकला यहां से कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है,
क्या हो जाता है, उस स्केलर उस डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इफ या स्केलर के इज मल्टीप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर के। यही चीज हमने यहां सीखा बच्चों। तो मैं यहां प्रॉपर्टीज लिख दिया आपको, ठीक है। ये लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, ओके बच्चों। तो अब एक चीज सुनो, आप एक चीज देखो, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस आया, अभी अब पता चलेगा। थोड़ा सा यहां पर वेट करो 1 मिनट। कि हम लोगों ने देखा बच्चों कि अगर डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप इसको दूसरे वे में देखो, दूसरे तरीके से देखो बच्चों, तो एक चीज पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि अगर कल को हम लोग को डिटरमिनेंट से कॉमन लेना है किसी नंबर या किसी फंक्शन को, तो हम लोग वो कॉमन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से लेंगे। मैं क्या बोला फिर से, कि डिटरमिनेंट के केस में हम लोग कॉमन किसी नंबर या किसी फंक्शन को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से लेते हैं। यानी कहने का मतलब, कोई नंबर अगर किसी रो या किसी कॉलम में के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाइड है तो हम उस नंबर को बाहर कर सकते हैं डिटरमिनेंट के केस में। जबकि बच्चों मैट्रिसेस के केस में क्या था, कि मैट्रिसेस के केस में हम लोग किसी नंबर या किसी फंक्शन को तभी कॉमन ले सकते हैं जब वो नंबर या फंक्शन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो, मैट्रिक्स के सभी नंबर में मल्टीप्लाइड हो। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट वो केवल किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाइड हो तो कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग मैट्रिसेस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सुनना मेरी बात, सुन लेना बढ़िया से, अगर मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाता है। जबकि वहां ऐसा, यहां डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहां कोई नंबर से किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप मिस कर देते हो सुनने में तो क्या करना, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, फिर से सुनना उस बातें, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सुनना और जानना जरूरी है ज्यादा। देखो बच्चों क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि एक डिटरमिनेंट हमने लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने क्या किया कि कोई नंबर से लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब ये लैम्डा जैसे अगर मैट्रिक्स रहता ना तो ये सभी एलिमेंट में जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ये किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक कॉलम में। ऐसे देखो इस तरह से, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, जैसे लैम्डा जो है हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। जबकि मैट्रिसेस के केस में क्या होता था कि सभी एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता था। अच्छा और देखो, अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हो, चलो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया 3x3 ऑर्डर का, a1 a2 a3 b1 b2 b3, एकदम बढ़िया से समझना इस कॉन्सेप्ट को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या किया,
इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स को, देख लेना मैट्रिक्स का भी बता रहा हूं। तो ये जो k है ना, ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k1 k2 k3 kb1 kb2 kb3 kc1 kc2 kc3। ओके बच्चों, इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे क्या होता है कि बच्चों, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूं, किसका डिटरमिनेंट लूं, k into a का, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो आप तो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो अभी, जो मैंने बताया था कॉमन लेने के लिए। बच्चों डिटरमिनेंट से हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालते हैं। तो यहां क्या होगा, देखो बच्चों, ये फर्स्ट रो से भी के बाहर आएगा, सेकेंड रो से भी के बाहर आएगा, और थर्ड रो से भी के बाहर आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में भी के मल्टीप्लाई, इसमें भी के मल्टीप्लाई, इसमें भी के मल्टीप्लाई है। तो यहां से तीन के बाहर आया, तो क्या हो गया, के क्यूब। ठीक है बच्चों, और जो अंदर में जो बच गया a1 a2 a3 b1 b2 b3, बच्चों देखना c1 c2 c3 है ना। और ये क्या चीज है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहां से k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया बच्चों, k क्यूब इंटू ए। अच्छा ऐसा हुआ। तो कल को बच्चों अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहा n ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, देखो ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है, मतलब 3 ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसका डिटरमिनेंट लिया, तो k पे पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आया। यानी 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, उसमें k से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट लिया तो के पे पावर 3 इंटू ए आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहां इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था, तो के पे पावर क्या आया, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर क्या है, एन, तो क्या आएगा पावर, के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं VVI। ओके, तो इस बात को याद रखोगे, एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग गलत हो जाए तो आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर बच्चों देखो, आप एक चीज देखो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा रो में भी हो सकता है, तो इसको केवल लिख लो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और वन कॉलम ऑफ या डिटर्मिनेंट आर 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। ओके,
तो बच्चों और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा और आपको ध्यान रखना है। और एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सको शेयर करो, है ना। चाहे वो हमारे क्लासेस में पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, फिर भी आप शेयर करो, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू बच्चों।